स्वागत है आपका आईएएस पॉइंट की यूट्यूब चैनल में। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। चलिए, आप सभी जानते हैं कि यूपीएससी की परीक्षाओं में अक्सर वर्ल्ड संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको जो भी क्लासेस दिए सारे इंपॉर्टेंट क्लासेस थी, आई होप आपने अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वह होगा भारत की जो लोक नृत्य, इसके साथ साथ जो राष्ट्रीय नृत्य होते हैं ना, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इसके साथ साथ पहले मैं आपको सारी डिटेल्स में पढ़ाऊंगी और उसके बाद अगर कुछ बच जाता है तो हम वो क्वेश्चन के थ्रू कर लेंगे। तो आपको पहले ये पढ़िए, इसमें से ही आपके कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और लास्ट तक जितने भी मैं आपको एक देखो जितने भी क्वेश्चन अगर मैं आपको कराऊंगी ना, वो सारे पहले इसी से जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ इसी संबंधित आपके आगे के क्वेश्चन होंगे। तो आपको सारे क्वेश्चन के आंसर देने ही हैं, क्योंकि आपको यहीं पे मैं आपको याद भी करवा दूंगी, यहीं पे आपका टेस्ट भी हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कुछ डिफिकल्टी होती है तो आप वो हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, आपको आंसर ज़रूर मिलेगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नहीं, आज का जो नृत्यों पर आधारित है, मतलब कि भारत के जो क्षेत्रीय नृत्य है ना उस पर आधारित यह सामान्य ज्ञान के प्रश्नोत्तर है। तो जो पहला है वह क्या है, तो वह है भरतनाट्यम। क्या है? भरतनाट्यम। ठीक है, देखो इसका नाम ही क्या है, भरत, भरत मतलब भारत। तो देखो यह भारत के प्रसिद्ध नृत्यों में से एक है। क्या है? जो भरतनाट्यम है वह। ठीक है, तथा इसका संबंध किस से, तो इसका संबंध दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य से। कहाँ से है? भारत दक्षिण भारत का तमिलनाडु राज्य से है, मतलब कि भारत जो भरतनाट्यम है यह कहाँ का है, तो यह भारत से है। भारत में कहाँ पर? तमिलनाडु राज्य से है। आगे देखेंगे, यह नाम भरत शब्द से लिया गया है, इसका अर्थ है नित्य, मतलब इसका संबंध है वह है नित्य शास्त्र से। कौन से शास्त्र से? नित्य शास्त्र से है। तो हमने क्या देखा है इस क्वेश्चन में कि जो भरतनाट्यम है यह प्रसिद्ध नृत्यों में से एक है, तथा इसका संबंध किससे है, तो इसका संबंध दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य से है। आगे देखेंगे, यह नाम भरत शब्द से लिया गया तथा इसका संबंध नृत्य शास्त्र से है। तो आपको इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो याद करने की यह है आपकी कि जो भरतनाट्यम है यह कहाँ का है, तो यह भारत का है। ठीक है, क्या है? तो एक ये नृत्य है जो कि तमिलनाडु राज्य से संबंधित है, इसके साथ साथ यह नृत्य शास्त्र से है। ये पाँच चीज़ें आपको इस प्रश्न में याद रखनी है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्या है हमारा? कथकली नृत्य। अब देखो कि कथकली क्या है, तो यह देखो इसके बाद मैं आपको बता दूं कि जो मुख्यतः मतलब शास्त्रीय नृत्य है ना ये आठ है, उसमें से क्या है? एक कथकली भी। अब देखो कि जो भरत मुनि ने अपनी पुस्तक जो नाट्य शास्त्र में शास्त्रीय नृत्य का वर्णन किया है। अब देखो, केरल के दक्षिण पश्चिम राज्य में एक समृद्ध और फलने फूलने वाला जो नृत्य है यह कौन सा है? तो यह है कथकली। यहाँ पर परंपरा है कि कथकली का अर्थ एक कथा या नाटक या नृत्य। ठीक है, हमें क्या याद रखना है? हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि जो कथकली है, सो हाँ कथकली है, वह केरल से संबंधित है। कहाँ से है? केरल से संबंधित है। इसके साथ साथ यह एक नाटक और नाट्य क्षेत्र है, यह आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला है हमारा मोहिनी अष्टम। ठीक है, मोहिनी अष्टम नृत्य। अब देखो मोहिनी अष्टम नृत्य के बारे में हम जान लेंगे, तो मोहिनी जो अष्टम है यह केरल में स्थित है। कहाँ पर? केरल का क्या है? केरल की जो महिलाएं द्वारा किए जाने वाला अर्धशास्त्रीय नृत्य है। कौन सा नृत्य है? देखो अक्सर ऐसा भी हो सकता है कि जो मोहिनी अष्टम है यह किस तरह का नृत्य है, तो यह क्या है? तो यह है अर्धशास्त्रीय नृत्य है, जो कि महिलाओं द्वारा, किसके द्वारा? महिलाओं द्वारा किया जाने वाला है। ठीक है, आगे देखेंगे, जो कथकली से अधिक पुराना माना जाता है। ठीक है, अभी हमने कथकली के बारे में पूरा है, तो इसके इससे भी पुराना है। क्या है? मोहिनी अष्टम। ठीक है, जो कि कहाँ पर है? केरल में। हमको इसमें क्या याद रखना है कि जो मोहिनी अष्टम है यह केरल से संबंधित है, यहाँ पर महिलाओं द्वारा आयोजित किए जाने वाला यह शास्त्रीय नृत्य है। सिर्फ इतनी चीज़ें आपको इसमें याद रखनी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है हमारा कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी देखेंगे हम क्या है, तो यह एक नृत्य है, आप सभी जानते हैं। अब देखो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की एक स्वदेशी नृत्य शैली है। इंपॉर्टेंट है यह लाइन आपकी कि जो कुचिपुड़ी है यह आंध्र प्रदेश की एक क्या है? स्वदेशी नृत्य शैली है।
जिसने इसी नाम के गांव में जन्म लिया और पनपी इस जिस इसका जिसका मूल नाम क्या है, तो इसका जो मूल नाम है वह है कुचेलापुरी या कुचेलापुरम था, जो कृष्ण जिले का एक कस्बा है। हमें इस क्वेश्चन में क्या याद रखना है, तो हमें इस प्रश्न में जो डिटेल्स चाहते ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वह है कुचिपुड़ी कहाँ पर है, तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में स्थित है तथा यह स्वदेशी नृत्य है। इसका जो मूल नाम है वह भी याद रखना है हमें, कुचिपुड़ी और कुचेला पुरम। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला हमारा क्या है, अगला हमारा है कट्यानम। ठीक है, कट्यानम के बारे में जानेंगे। अब कट्यानम क्या है, तो यह केरल के शास्त्रीय रंगमंच का द्वितीय रूप है। कहाँ का, केरल का जो शास्त्रीय रंगमंच है इसका अद्वितीय रूप है, जो अत्यंत मनमोहक है। यह भारत का सबसे पुराना रंगमंच है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है सब, जो भारत का सबसे पुराना, भारत का पूछा गया। ठीक है, तो भारत का सबसे पुराना रंगमंच कौन सा है, तो कट्यातम। ठीक है, यह क्या है, तो यह भारत का सबसे पुराना मंच है। इसके साथ साथ हमें ये चीज़ याद रखनी है इसमें कि यह जो कट्यातम नृत्य है यह केरल के शास्त्रीय रंगमंच का अद्वितीय रूप है। चलिए अगली ओर चलते हैं हम। अगला है हमारा ओडिसी नृत्य। ओडिसी नृत्य के बारे में जानेंगे हम, तो यह पुरातात्विक जो साध्यों के आधार पर सबसे पुराना जीवित नृत्यों के रूप में एक माना जाता है। देखो क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि जीवित नृत्य कौन सा है, देखो जीवित नृत्य कौन सा है, तो कौन सा है, ओडिसी। क्या है यह, ओडिसी। अब देखो ओडिसी है तो कहाँ का है, यह प्रश्न में आपको उसी में दिख रहा है कि ओडिसी मतलब ओडिशा का। तो देखो आगे कि ओडिशा के पारंपरिक नृत्य, ओडिशा का जन्म मंदिर के जो ओडिसी जो नृत्य है ना, इसका जो जन्म हुआ था यह कहाँ पर हुआ था, तो इस नृत्य का जन्म मंदिर में नृत्य करने वाली देवादिशियों के नृत्य से हुआ था। ठीक है, अब देखो इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, तो इसमें यह हमारे लिए यह इम्पोर्टेंट है कि जो ओडिसी नृत्य है यह क्या है, तो यह एक जीवित नृत्य रूप है। ठीक है, इसके साथ साथ हमको क्या देखना है कि यह ओडिशा के जो पारंपरिक नृत्य है उसमें से एक है। अब कहाँ पर स्थित है, तो यह ओडिशा में स्थित है। चलिए अगली ओर चलते हैं हम। अगला है कथक। कथक तो आप सभी जानते होंगे, कथक नृत्य। अब देखो कथक नृत्य कहाँ का है, तो यह उत्तर भारत का एक प्रमुख लोक नृत्य के रूप में प्रसिद्ध है। कहाँ का है, उत्तर भारत का। चलिए ये चीज़ हमने जान ली। कथक का जो नृत्य है रूप है वह 100 से अधिक घुंघरुओं को पैरों में बांधकर तालबद्ध पदचाप विहंगम चक्कर द्वारा पहचाना जाता है। मतलब देखो कि इसमें घुंघरू पहन के वो हाथों से ताल वगैरह खेल करते हैं, पैर भी बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप उसे ऐसे पहना पहचाना जाता है कि यह कथक है। तो कथक कहाँ का है, तो कथक उत्तर भारत का एक प्रमुख लोक नृत्य है। क्या है, यह एक लोक नृत्य है। आगे चलते हैं हम, आगे देखेंगे हम मणिपुरी नृत्य। मणिपुरी नृत्य के बारे में चलिए देख लेते हैं हम, तो यह पूर्वोत्तर के मणिपुर क्षेत्र से आया शास्त्रीय नृत्य है। कौन सा है, शास्त्रीय नृत्य मणिपुर नृत्य है। मणिपुरी नृत्य भारत के अन्य नृत्यों के रूप से भिन्न है, इसमें शरीर धीमी गति से चलता है। आपने देखा होगा कि वो राजस्थान में मतलब एक गुड्डन देती है जो बिल्कुल धीरे 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 हिलती है ना, से हाँ वही वही वाला यह, जिसे क्या कहा जाता है, मणिपुरी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले की ओर चलते हैं हम। अब प्रश्न आ गए हमारे। अब देखो मैंने आपको जितना भी पढ़ाया है ना, उसमें से आपके कुछ क्वेश्चन मतलब समझो कि अधिकतर ही बनेंगे, और अगर कुछ छूट गया है तो मैं आपको इसी क्वेश्चन के थ्रू आपको बता दूंगी। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा मतलब इसमें पहला लोकगीत आ गया है, चलो कोई बात नहीं, इसके बारे में देख लेते हैं हम। उत्तर प्रदेश के सबसे लोकप्रिय जो लोकगीत का नाम क्या है, ठीक है, सबसे लोक जो गीत है उसका नाम पूछा गया है हमसे। ऑप्शन देखेंगे हम, मांग, कजरी, बोल या बोली। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप आंसर जरूर कमेंट कीजिए, अगर पता हो ये तो अच्छी बात होगी। चलिए तो हम देख लेंगे कि जो उत्तर प्रदेश के सबसे लोकप्रिय लोकगीत है ना वह कौन सा है, तो वह कजरी है। ठीक है, इसे कजरी या कंजारी भी कहा जाता है। ठीक है, कजरी या कंजारी कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न, हम निम्न में से कौन सा सही विकल्प है। देखो कुचिपुड़ी मध्य प्रदेश में है क्या, नहीं, कहाँ पर है कुचिपुड़ी, कहाँ है, मैंने आपको अभी ही पढ़ाया था, क्योंकि जो
कुचिपुड़ी ये यहाँ है हमारे आंध्र प्रदेश में, ठीक है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। मैंने आपको अभी बताया था कथकली के बारे में, बताया था केरल में, तो यह सही है। भरतनाट्यम का बताया था मैंने आंध्र प्रदेश में, तो यह भी सही है। और कथक का तमिलनाडु में, तो ये चार सारी चीज़ें क्या है, सही है। परंतु इस हमसे क्या पूछा गया है, निम्न में से सही नहीं है। सही नहीं है तो क्या नहीं है, कुचिपुड़ी, क्योंकि कहाँ पर है यह, आंध्र प्रदेश में है। कथकली कहाँ पर है, तो केरल में है। भरतनाट्यम कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। और कथक कहाँ पर है, तमिल। कथकली और कथक में कंफ्यूज होइएगा, जो कथकली है वह केरल में है और जो कथक है वह तमिलनाडु में है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के किस राज्य में लुड्डी नृत्य किया जाता है। ऑप्शन देखेंगे हरियाणा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल या मध्य प्रदेश, ठीक है। देखो मैंने आपको पहले ही बताया था कि कुछ जो छूट गए हैं मैं वो आपको क्वेश्चन के थ्रू करवा दूंगी, पर आपको अगर आंसर पता है तो यह बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि आप रोजाना क्लास में, अब बच्चे बहुत ज़्यादा बच्चे आंसर देने लग गए हैं, यह बहुत अच्छी बात है। यूपीएससी के बच्चे आंसर तो आना ही चाहिए, अगर आप आंसर दे दोगे तो जो लिख देते हैं ना वो नहीं भूलते हैं, ये मेरा आपका कहना है। तो चलिए स्टार्ट करते, देखो हमारा क्वेश्चन क्या है कि भारत के किस राज्य में लुड्डी नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य, लुड्डी नृत्य के बारे में पूछा गया है, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल या मध्य प्रदेश। अब देखो कि यह नृत्य कहाँ, तो यह हरियाणा में किया जाता है। अच्छा हरियाणा में, तो अब इसकी जानकारी, तो इसकी जानकारी देखो कि मंडी ज़िले में लुड्डी नृत्य लोकप्रिय है। कौन से, हरियाणा के जो मंडी ज़िला है ना वहाँ पर क्या है, यह लोकप्रिय है। आइए देखेंगे, इसमें शरीर में काफ़ी मूवमेंट्स और बहुत तेज डांस स्टोर किए जाते हैं, जो स्टेप्स हैं ना वो बहुत तेज़ होते हैं, डांस भी बहुत फास्ट किया जाता है और स्टेप भी बहुत फास्ट हो जाती है। तो मतलब जहाँ समझो कि जहाँ पर बहुत तेज तेज डांस है वो कौन सा है, लुड्डी नृत्य, ठीक है, जिसमें हर एक हड्डी क्या हो जाएगी, बहुत तेज तेज चलेगी। चलिए तो क्या हैगा कि जो लुड्डी नृत्य है यह मंडी ज़िले के, मतलब कि हरियाणा के जो मंडी ज़िला है वहाँ का नृत्य लोकप्रिय है। इसमें शरीर में काफ़ी मूवमेंट्स और बहुत तेज़ी से डांस स्टेप किए जाते हैं, जो कि पेड़ की शाखाओं जैसे लटकते हुए लगते हैं। कैसे, पेड़ की शाखाओं जैसे लटकते हुए दिखते हैं, मतलब कि जहाँ आपको दिखे कि यहाँ ऐसा डांस हो रहा है वह कौन सा डांस है, वह लुड्डी नृत्य है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, वल्ला थोल द्वारा पुनर्जीवित नृत्य का नाम बताइए। ऑप्शन देखेंगे हम, ओडिसी, कथकली, मणिपुर या भरतनाट्यम। अब देखो मैंने आपको बताया था कि कौन सा नृत्य है जो जीवित है, ठीक है, बताया था अभी मैंने आपको, अगर आपने ठीक से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। हाँ चलिए तो देखते हैं कि जो पुनर्जीवित नृत्य है वह कौन सा है, तो वह है कथकली। अब कथकली कहाँ का है यह अभी मैंने आपको बताया था, तो यह कहाँ का है, यह केरल का है, यहीं पर याद हो जाएगा आपको। तो देखो यह कथकली केरल का लोक नृत्य है। कवि बशीर वल्ला थोल ने अपने वर्तमान रूप में कथकली को क्या, पुनर्जीवित किया है। इसको जीवित तो किया है परंतु फिर से जब किया तो वो किसने किया था, तो वह जो कवि बशीर वल्ला थोल थे उन्होंने इसे पुनर्जीवित किया है। अब देखो ज़्यादा कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ जीवित जहाँ पे आया वहाँ, मतलब कि कथकली जो कि केरल में है वह क्या है, जीवित नृत्य है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न है अपना, अंकिया नाट कहाँ का नृत्य है। ऑप्शन देखेंगे हम, आंध्र प्रदेश, बिहार, असम, जम्मू और कश्मीर। अब अंकिया नाट के बारे में, अब देखो अंकिया है, देखो याद करने के लिए बहुत सरल है, जो कि जहाँ के जितने भी नृत्य हैं ना उनके मतलब नाम उनकी जो राज्य से संबंध बिल्कुल मिलते जुलते हैं। देखो अंकिया मतलब कि असम, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अब देखो अंकिया जो नृत्य है ना यह पुरुषों द्वारा किया जाता है, ठीक है, किसके द्वारा, यह पुरुषों द्वारा किया जाता है। और महिलाओं द्वारा कौन सा किया जाता था, महिलाओं द्वारा, चलो महिलाओं द्वारा आपको आगे बताऊंगी मैं, क्वेश्चन आएगा तब आपको याद रह जाएगा। चलिए तो हम क्या पढ़ रहे हैं, हम अंकिया के बारे में, अंकिया तो नाट है वह कहाँ का है, तो वह असम का है, ठीक है। देखो अंकिया नाट पुरुषों द्वारा किया जाता है, शास्त्रीय रंगों का एक नृत्य और गायन शैली है। कौन सी शैली है, यह नृत्य और गायन शैली है, ठीक है, ये चीज़ आपको दो याद रखनी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, सामाजिक विषयों पर आधारित लोक नृत्य का नाम बताइए, जिसमें दो परंपराएं हैं। कौन कौन सी परंपरा है, हाथरस परंपरा और कानपुर परंपरा।
ठीक है, ऑप्शन देखेंगे हम, जत्रा, नौटंकी, फागुन या बिहू। चलिए तो हम देख लेंगे कि जो सामाजिक विषयों पर आधारित लोक नृत्य है वह कौन सा है जिसमें कि दो परंपरा है। तो वो जो नृत्य है वह है नौटंकी। कौन सा ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अब देखो नौटंकी कहाँ कहाँ है, तो यह उत्तर भारत, इसके साथ साथ पाकिस्तान और नेपाल। ठीक है, एक और क्या आ जाएगा, एक और नेपाल। तो क्या है यहाँ का, क्या है यह लोक नृत्य है। ठीक है, कहाँ कहाँ का है नौटंकी, उत्तर भारत, पाकिस्तान और नेपाल का ए लोक नृत्य है और नृत्य और नाटक शैली के नाम है। ठीक है, इसे मतलब कि इसे क्या कहाँ कहाँ का है हम एक बार फिर देख लेंगे। तो उत्तर भारत, पाकिस्तान और नेपाल का जो एक नृत्य, ठीक है, वो नाटक शैली का नाम है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा एक दूसरे के तरह नहीं है, मतलब एक दूसरे के तरह नहीं दिखता है। ठीक है, अब देखेंगे कथकली, ओडिसी, कर्नाटकी या भरतनाट्यम। देखो कथकली मैंने पढ़ाया था, उसमें ऐसा कुछ था क्या, नहीं, ओडिसी भी पढ़ा दिया है, भरतनाट्यम भी, कर्नाटकी नहीं पढ़ाया है, अलग हो गया है। तो मतलब कि मतलब इन तीनों के बारे में जब मैंने आपको पढ़ा, जब मैंने आपको कहा था कि दूसरे से की तरह नहीं है, नहीं ऐसा तो नहीं कहा। अब देखो तो बचा कौन सा हमारा, कर्नाटकी। ठीक है, अब देखो कर्नाटक के बारे में जानेंगे तो यह सिवाय जो कर्नाटकी है ना, यह सभी नृत्य के रूप है। ठीक है, परंतु जो कर्नाटकी है ना, यह शास्त्रीय संगीत है। क्या है, यह शास्त्रीय संगीत है। ठीक है, यह क्या है, यह तो नृत्य है, परंतु जो कर्नाटकी है ये क्या है, तो यह शास्त्रीय संगीत है, क्योंकि यह अलग हो गया। चलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का लोक नृत्य है। ये तो मतलब 8वीं का क्वेश्चन तो सभी बच्चों को आना चाहिए, सभी बच्चों को मतलब कि भारत का है आना ही चाहिए वो तो। देखो अब निम्नलिखित में से कौन सा भारत का लोक नृत्य है, ऑप्शन देखेंगे हम, मणिपुरी, बिहू, कथकली या भरतनाट्यम। कौन सा है भैया, चलो बताओ, कमेंट करके बताओ। अब देखो तो कौन सा है जो हमारा भारत का लोकप्रिय नृत्य है, वह बिहू है। ठीक है, कौन सा है, बिहू, मतलब कि भारत का जो लोक नृत्य है जो कि गांव और शहरों में दोनों में होता है, गांव में भी होता है शहरों में भी होता है। अब क्या क्या होता है, देखो एक तो बिहू हो गया, भांगड़ा, गरबा, कलबेलिया और बिहू। मतलब कि देखो भांगड़ा भी होता है, गरबा भी होता है और बिहू, ये क्या, ये जो तीनों चीज़ें हैं यह क्या है हमारे भारत का लोक नृत्य है, परंतु लोक नृत्य किसे कहा गया है, बिहू को। ठीक है, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, भारत का जो लोक नृत्य है वह क्या है, तो वह बिहू है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, किसने विदेश में भारतीय शास्त्रीय नृत्य को लोकप्रिय बनाया है। ऑप्शन देखेंगे हम, केलुचरण, मोहापात्रा, ऑप्शन नंबर बी है आपका रुक्मणी देवी, ऑप्शन नंबर सी है गोपी कृष्ण और डी उदय शंकर। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप आंसर ज़रूर कमेंट कीजिए। चलिए हम देख लेंगे कि जो भारतीय शास्त्रीय नृत्य को किसने लोकप्रिय बनाया है, तो सीधा सा सिंपल सा आंसर है इसका, उदय शंकर जी जो है उन्होंने क्या किया है कि जो हमारा भारतीय शास्त्रीय नृत्य है ना, उसको क्या किया है, लोकप्रिय बनाया है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, राउफ नृत्य भारत में किस राज्य में होता है। ठीक है, राउफ के बारे में पूछा है कि यह नृत्य भारत के किस राज्य में होता है। ऑप्शन देखेंगे हम, गुजरात, जम्मू और कश्मीर, महाराष्ट्र या तमिलनाडु। ठीक है, अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए। अब देखो राउफ जो नृत्य है ना, राउफ नृत्य, अब यह कहाँ पे होता है, तो यह होता है जम्मू और कश्मीर में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो गया। अब जम्मू और कश्मीर में होता है तो यह, अब देखो यह क्या है, तो यह त्योहारों और फसलों की कटाई के दौरान महिलाओं द्वारा किया जाता है, महिलाओं द्वारा किया जाता है, पुरुषों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है और महिलाओं द्वारा कौन सा किया जाता है, जो महिलाओं द्वारा किया जाता है वह कौन सा नृत्य है, तो वह राउफ नृत्य है। और पुरुषों द्वारा किए जाने वाला नृत्य कौन सा है, तो जो पुरुषों द्वारा किया जाता है, मैंने आपको अभी पढ़ाया था कि जो पुरुषों द्वारा किया जाता है वह कौन सा है, तो वह अंकिया नृत्य है। किसके द्वारा, मतलब कि पुरुषों में कौन सा आ गया, अंकिया नाट।
ठीक है, और महिलाओं में कौन सा आ गया, राउफ। ठीक है, अब हमसे पूछा गया है कि नृत्य भारत के किस राज्य में होता है, तो जम्मू और कश्मीर में होता है, और अंकिया कहाँ पर होता है। अंकिया नृत्य जो है उसके बारे में मैंने आपको बताया था। चलिए कमेंट करके आप ये हमें बताइएगा। आज की हमारी क्लास यहीं ख़त्म होती है। आज का हमारा जो टॉपिक था वह क्या था, तो वह ये था कि भारत के जो क्षेत्रीय नृत्य है उस पर आधारित हमारे सारे प्रश्न थे। आई होप आपको आज तो यह सारे यहीं पे याद हो ही गए होंगे। इसके साथ साथ अगर आपको याद नहीं हुए हो तो एक बार आप रिवाइज कर लीजिएगा, मेरे ख्याल से तो याद हो जाना चाहिए। चलिए तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं हमारी कल क्लास में।